हम दाखिल हो रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। ये देखें, ये नीचे है बिल्कुल, इसका जो मेन गेट है नीचे से यानी कि गहरा है। और इस तरफ अगर आप नए हैं तो इस तरफ आएंगे, और ये देखें पहला दरवाज़ा छोड़ कर ना दूसरे दरवाजे से, ये देखिए ये सामने लिखा हुआ भी है टिकट घर, ये सामने टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट लेंगे। और ये सारा मुसाफिरों के बैठने के लिए इंतजाम है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है। ये जी हम आए हुए हैं अहमदपुर रेलवे स्टेशन, जो कि डेरा नवाब साहब के नाम पे से मनसूब है। ये डेरा नवाब रेलवे स्टेशन है, हम चलते हैं और आपको डेरा नवाब स्टेशन दिखाते हैं। ये देखो, ये सामने मस्जिद भी है नमाज पढ़ने के लिए, और ये पानी का इंतजाम भी है ठंडे पानी के। वो दिख रहा है सुनो वीडियो, ओल्ड रेलवे स्टेशन। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका भी ये लो। ये है जी डेरा नवाब स्टेशन का भी चेक करें। डेरा नवाब साहब अहमदपुर शरकिया, इसका न्यू नेम है अहमदपुर शरकिया और ओल्ड नेम है डेरा नवाब साहब। ये देखिए डेरा नवाब साहब, ये है बिल्डिंग और सामने वह पानी की टैंकी, और ये है सामने रेलवे स्टेशन। ये रेल का, ये है जी पानी की टैंकी, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को पानी मुहैया करती है। ये सामने रेलवे स्टेशन है, ये कराची वाली साइड है, कराची ट्रेन इस तरफ आती है, ये कराची वाली साइड है, और इस तरफ से लाहौर वाली साइड है। ये देखें वो सामने है पुराने रेलवे स्टेशन का गेट है सामने, और ये रास्ता जो जा रहा है ये ऊपर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है, लेकिन अब आजकल ये बंद है, ये टूट फूट का शिकार हो चुका है, इसकी छतें गिर गई हैं और बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये अपने आखिरी सांसें गिन रहा है,
हमारी हुकूमत को चाहिए ऐसे रेवेन्यू करके ना, रिन्यू करके आवाम के लिए कुछ बना दे तफरी का। ये हमारा ओल्ड विरसा है, बहुत पुराना, हमें चाहिए, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। ये देखिए आप, ये खस्ता हालत में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है लेकिन अब ये वीरान हो चुका है, अब नई बिल्डिंग बन चुकी है। ऐसे तो ये तो गया ही लोगों को भूला है। हम नीचे थे, अब हम इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग में आ गए हैं जिसके अभी गेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ से ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ थी जो कि अब उनका नाम निशान भी ख़त्म हो चुका है, बाकी टूट टूट चुकी है। ये देखें, एक सीढ़ा भी नहीं, सीढ़े ये देखें, ये सब ये देखें इसके कमरे, कभी यहाँ भी रण के हुआ करती होंगी। Thank you.